दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो बचपन से इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखता है, लेकिन वो ये सपना तो साकार नहीं कर सका, लेकिन वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का सपना जरूर साकार कर सका है। तो ये कहानी है मुकेश कुमार की। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया है। दोस्तों छोटे शहरों और गाँव में रहने वाले कई नौजवान कम ही उम्र में घर परिवार छोड़कर बड़े शहरों में चले जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर किसी के सपने पूरे नहीं होते। बहुत से लोग गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, मगर कुछ खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है। इन्हीं में से एक हैं गोपालगंज बिहार के रहने वाले मुकेश कुमार। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपना जलवा दिखाने के बाद मुकेश को टेस्ट कैप भी मिल गई है। उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। उनको सरदुल ठाकुर की जगह टीम में जगह दी गई है जो कि चोटिल थे। मुकेश कुमार को बांग्लादेश दौरे के वक्त भी टीम इंडिया का हिस्सा रखा गया था, लेकिन उन्हें फाइनल प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई थी। मुकेश के लिए गोपालगंज से टीम इंडिया तक का सफर आसान नहीं था। वह खुद बताते हैं कि बंगाल की रणजी टीम का हिस्सा बनने से पहले उन्हें सीम या स्विंग गेंदबाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो बस इतना जानते थे कि किस टप्पे पर गेंद को डालना है, किस लाइन पर और किस लेंथ पर अपनी गेंदबाजी को करना है। ये चीज उनके गोपालगंज के एक लोकल कोच ने उनको सिखाई थी। मुकेश कोलकाता साल 2012 में चले गए थे। उनका हालांकि पहला मकसद क्रिकेट सीखना या खेलना नहीं था, उनका मकसद था अपने पिता के टैक्सी के बिजनेस में उनकी मदद करना। उनके पिता को टैक्सी के बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं मदद के लिए मुकेश कुमार को अपने पास बुलाया था। लेकिन मुकेश कहीं ना कहीं उसी भाग दौड़ में क्रिकेट खेलने के लिए टाइम निकालते थे। 400-500 रुपए के लिए कुछ लोकल लीग मैचेस खेला करते थे वहाँ पे। जाहिर तौर पर यह बात उनके पिता को काफी बुरी लगती थी, पर उन्होंने फिर आखिर में सोचा अगर लड़के को क्रिकेट खेलना पसंद है तो थोड़ा सा समय देते हैं इसको, 1-2 साल का समय देते हैं, अगर ये कुछ नहीं करेगा तो उसके बाद इसको अपने बिजनेस में लेके आएंगे। ऐसा ही हुआ, मुकेश कुमार को थोड़ा सा समय मिला और उन्होंने क्रिकेट में मेहनत और ज्यादा कर दी। मुकेश की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और वह जल्दी पश्चिम बंगाल की रणजी टीम का हिस्सा बन गए। मुकेश पिछले 8 वर्षों से बंगाल के तेज आक्रमण की धुरी हैं। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार टप्पा डालने का एक अलग सा हुनर सीखा हुआ है, किस तरीके से आउटसाइड ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी करनी है, यही चीज इन्हें सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाती है। और मुकेश शुरू से ही बहुत ही मेहनती किस्म के गेंदबाज रहे हैं, काफी लंबे लंबे स्पेल नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। आईपीएल 2023 के ऑक्शन में मुकेश को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच काफी घमासान हुआ। आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में मुकेश कुमार को खरीद लिया था। इन पैसों से मुकेश कुमार की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन आईपीएल में कुछ असफलताओं से उनकी साख पर थोड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया है। हालांकि उन्होंने अपनी नाकामियों से सीखा और मेहनत जारी रखी। बंगाल और इंडिया ए के लिए शानदार खेल दिखाया है उन्होंने अभी तक, और उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एज ए नेट बॉलर भी इंडिया के द्वारा ले जाया गया था। मुकेश कुमार का टीम इंडिया में चुना जाना उन सभी युवा गेंदबाजों के लिए एक प्रेरणा है जो छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं और फाइनली टीम इंडिया को, इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा है मुकेश कुमार के लिए जिन्हें इंडियन टेस्ट टीम में जगह दी गई है। तो दोस्तों ये थी मुकेश कुमार की कहानी, कैसे एक यंग लड़का छोटे से गांव से निकलकर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनता है। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।